नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारका लक्की फ्लैट से आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपके आपको लेके आया हूं सेक्टर 10 अपना विला अपार्टमेंट, जो मेट्रो स्टेशन से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे है। वेंकटेश्वर स्कूल इसके आसपास में है और इंद्रप्रस्थ स्कूल इसके अगल बगल है। तो काफी सारे स्कूल है इसके नजदीक। सेक्टर 6-10 की मार्केट है। गोलोक धाम अगल थोड़ी सी दूर पे है और एक छोटी सी मार्केट भी यहीं पे है जो 100 मीटर की दूरी पे है। और एक फ्लोर पे इसमें 3 फ्लैट है और एक ही लिफ्ट है और जीना साइड से जाता ही है। और अभी मैं इसके अंदर लेविश काम किया हुआ फ्लैट आपको दिखाता हूँ। आइए हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं आपको। ये आप देखेंगे इसमें वुडन का काफी अच्छा काम किया हुआ है। डोर हैंडल डोर काफी अच्छा है, गोदरेज का लॉक है और इसमें फ्लोरिंग काफी अच्छी करा रखी है, टाइल लगा रखी है काफी अच्छी। और इसमें एल शेप का ड्राइंग कम डाइनिंग है। 4 BHK का फ्लैट है प्लस में 3 टॉयलेट है। अभी इसके अंदर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये है ड्राइंग कम डाइनिंग का एरिया एल शेप का। फॉल सीलिंग काफी अच्छी हो रखी है इसके अंदर और AC का पॉइंट वगैरह सारा कुछ बना रखा है। और ये CPVC की स्लाइडिंग लगा रखी है जो बालकनी से कनेक्टेड है। और इसकी बालकनी यहाँ से और इसके बेडरूम से दोनों से कनेक्टेड है। अभी आप देखेंगे ये इसकी बालकनी है। बालकनी में इस समय धूप बहुत अच्छी आ रही है। अभी हमारे टाइम हो रहा है इस समय 2:17, तो इसमें सूरज की रोशनी भी अच्छी है और क्रॉस वेंटिलेशन है। आइए आपको इसकी बालकनी दिखाता हूँ। ये इसकी बालकनी यहाँ से है और पानी का कनेक्शन वगैरह इधर दे रखा है। आपने मशीन वगैरह रखनी हो तो आप अपने यहाँ रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। और अभी इसी के साथ मैं आपको इसका बेडरूम भी दिखाता हूँ, जो इसका स्टार्टिंग से पहला बेडरूम है। ये इसका पहला बेडरूम है। यहाँ से पहला बेडरूम जो है काफ़ी अच्छा, इसके अंदर भी काम किया हुआ है। जो फॉल सीलिंग है काफ़ी अच्छी है। अलमारी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो बेडरूम का भी साइज काफ़ी अच्छा है। ये भी कम से कम 12x10 का कम से कम साइज होगा। अटैच इसका बाथरूम है और इसकी अलमारी, कैमरामैन भी एक बार अलमारी दिखाइए। अलमारी के अंदर जो काफ़ी अच्छा नया डिजाइन में उन्होंने बना रखा है, ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा है। और स्लाइडिंग का ये बना रखा है, काफ़ी अच्छा काम है इसके अंदर। गहराई भी अच्छी है, देखिए पूरा काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ मैं आपको इसका बाथरूम भी दिखाता हूँ। अटैच बाथरूम है, बाथरूम के अंदर भी टाइल वगैरह का काम काफ़ी अच्छा होता है। बाथरूम का साइज भी करीब ये आपका 5x6 का कम से कम बाथरूम है। आइए अंदर कैमरामैन जी अंदर दिखाइए, बाथरूम का साइज दिखाओ। ये देखिए काफ़ी अच्छा, इसमें स्टोरेज के लिए छोटी सी बना रखी है अलमारी, यहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। हिंदवेयर की इसके फिटिंग से ये शीट वगैरह इसकी सारी हिंदवेयर की है। पूरा इसका हिंदवेयर का इसके अंदर सारा काम किया हुआ है। सारी टोटी वगैरह सब इसकी जो होती है, कनेक्शन होप वगैरह सब काफ़ी अच्छा है। टावर वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगा रखा है। अभी हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम से होते हुए किचन की तरफ। ये हम आ गए इसके किचन में। किचन का साइज काफ़ी अच्छा है और फेसिंग भी किचन की काफ़ी अच्छी बना रखी है। यार ये इसके अंदर स्टोरेज सही है, काफ़ी अच्छा डिजाइन ने इस तरफ दे रखा है इन्होंने। बाकी जगह पे कई बार आदमी चेंज करता है, इस साइड में बना देता है। हाइड्रोलिक इसके अंदर आप सारा सामान करने के लिए दे रखा है। सामान के स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। इधर आपका PNG का कनेक्शन है, PNG आप अपना यूज़ कर सकते हैं। चूल्हा वगैरह आप अपना यहाँ लगाएंगे। चिमनी का पॉइंट बना दिया है। लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी। हिंदवेयर की इसके अंदर फिटिंग इसकी दे रखी है। और अभी हम चलते हैं, अभी मैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ आ गया हूँ। ये दूसरा बेडरूम के अंदर क्रॉस बेड, आप अपना इसको यूज़ करना चाहें यूज करें, खोलते हैं। यहाँ हवा काफ़ी अच्छी अंदर आदान प्रदान इसकी हो सकती है। कपड़े सुखाने के लिए भी दे रखा है अलग से वैसे तो। और ये इसके साथ अटैच इसका ये है बाथरूम। बाथरूम के अंदर भी हिंदवेयर की फिटिंग्स है, आप देखेंगे टाइल वगैरह काफ़ी अच्छी लगा रखी है। फिटिंग्स काफ़ी अच्छी है, नया जो होता है थोड़ा सा उसी हिसाब से दिया हुआ। थोड़ी सी ग्रोटिंग वगैरह भी कहीं होनी बाकी है क्योंकि अभी काम चल ही रहा है इसके अंदर, थोड़ा बहुत बचा है तो वो बाकी रह गया, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो जो ग्रोटिंग जैसे यहाँ ग्रोटिंग रह गई है, यहाँ ग्रोटिंग रह गई है, तो ये होनी बाकी है अभी। बाकी खिड़की वगैरह इसमें दे रखा है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। बाथरूम का भी साइज काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, बस अलमारी नहीं है, बाकी ठीक है इसके अंदर। अभी मैं इसके आ गया हूँ तीसरे बेडरूम में। ये हम अभी इसके तीसरे बेडरूम की तरफ हैं। ये इसका तीसरा बेडरूम है। तीसरे बेडरूम में भी काफ़ी अच्छा काम है, इसका भी रूम साइज काफ़ी अच्छा है। फॉल सीलिंग इसके अंदर हो ही रखी है और
एसी का कनेक्शन वगैरह जो बना रखा है वो पहले ही बना रखा है इन्होंने, दे रखा है। ये अलमारी है, अलमारी के अंदर काफ़ी अच्छा काम करा रखा है इन्होंने, अंदर तो सेम है इसके अंदर। अलमारी की गहराई ठीक है, अंदर का लुक तो पहले वाले का ही इन्होंने माइका लगा रखा है, बाहर का माइका अलग है इसका। और ये इसके साथ अटैच बालकनी है जो मैं आपको ड्राइंग रूम से मैंने दिखाया था, वही वाली इसके साथ अटैच आई शेप की बालकनी है। और अभी मैं इसके साथ आपको लेके चलता हूँ। फॉल सीलिंग इसकी नए थोड़ा सा अलग हटके है लेकिन सेम है, लुक तो सेम ही दे रखा है। ये मैम इसके चौथे बेडरूम में, इसमें भी काफ़ी अच्छी, इसमें भी फॉल सीलिंग थोड़ा अलग है इसकी भी। सारे बेडरूम की फॉल सीलिंग अलग अलग डिजाइन में इन्होंने दे रखी है। अलमारी का जो डिजाइन होता है वो सेम है लेकिन माइका अलग है, आप देखेंगे माइका अच्छा है, गहराई तकरीबन सेम है। और ये इसकी एक छोटी बालकनी है, इसमें भी प्रॉपर रोशनी है। बड़ी वाली बालकनी उस तरफ ही थी जो मैंने पहले दिखाई थी आपको। ये इसका तीसरा टॉयलेट है, तीसरा टॉयलेट के अंदर भी डिजाइन वगैरह सब कुछ तकरीबन सेम ही है। हिंदी वेयर की फिटिंग्स इसके अंदर भी है, साइज लगभग सेम ही है, बाकी जो बेड जो और थे बाथरूम के साइज वही इसके अंदर भी है। और इटालियन जो आजकल लगते हैं वही डिजाइन इसमें भी दे रखा है, थोड़ी सी ग्रॉटिंग वगैरह भी इसमें होनी है। और स्टोरेज के लिए दे रखा है ये इधर छोटा सा, पहले वाले टॉयलेट के अंदर बड़ा स्टोरेज था, अभी इसके अंदर छोटा स्टोरेज है। तो मैंने आपको ये 4 बेडरूम सेक्टर 10 का अपना विला सोसाइटी का फ्लैट दिखाया। और इसके अंदर जब कभी भी आप आना चाहें, वैसे तो सैटरडे संडे यहाँ अलाउड है, बाकी अगर और डेज में कहेंगे तो दिख जाएगा फ्लैट। तो सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन पड़ता है इसका। और मेरे वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।